दिख रहा है, पीपीटी दिख रहा है सब लोगों को? रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ हो गया, रिकॉर्डिंग भी चालू हो गया। दिख रहा है ना सब लोगों को पीपीटी? ठीक है, अभी कल का वो थोड़ा रिवाइज करवाओ कि आगे आगे का स्टार्ट करो। क्या करना हो, ट्रेपेजियम रिवाइज करवाओ कि चलेगा? करवाओ रिवाइज। ठीक है सुनो, ध्यान से सुनो। देखो कुछ नहीं, सिंपल है। कल हमने पढ़ा था ट्रेपीजियम, एक नया क्वाड्रिलेटरल, और उसके पहले हमने रोम्बस और स्क्वायर भी पढ़ा था। रोम्बस और स्क्वायर तो काफी सिंपल है, तो मैं ट्रेपीजियम एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो एनी क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल एंड अदर पेयर शुड बी नॉन पैरेलल। तो ऐसा जो भी क्वाड्रिलेटरल है, जो भी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें वन पेयर इज पैरेलल एंड अदर पेयर इज नॉन पैरेलल, याद है ट्रेपीजियम कैसा ड्रॉ किया था हमने? तो सच अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड एज ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम का कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होता है, ट्रेपीजियम का एक टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं आइसोसेलस ट्रेपीजियम। अभी आइसोसेलस वर्ड तुमने कहाँ सुना है? सुना रहेगा ना, आइसोसेलस ट्रायंगल। क्या होता है आइसोसेलस ट्रायंगल? जिसमें टू साइड्स आर इक्वल, ठीक है, जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं ना आइसोसेलस ट्रायंगल। तो ट्रेपीजियम में भी ऐसा ही, मतलब ट्रेपीजियम में इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, नॉन पैरेलल साइड अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगा देन वी से दैट दैट ट्रेपीजियम इज एन आइसोसेलस ट्रेपीजियम। याद रखना, ठीक है, ट्रेपीजियम में दो पैरेलल साइड होते हैं, हमने देखा था, दो नॉन पैरेलल साइड होते हैं। अगर नॉन पैरेलल साइड कॉन्ग्रुएंट है देन वी से इट इज एन आइसोसेलस ट्रेपीजियम। इसका एक ही प्रॉपर्टी था बेस एंगल ऑफ आइसोसेलस ट्रेपीजियम आर कॉन्ग्रुएंट। याद है क्या बेस एंगल किसको बोलते हैं? बेस एंगल मतलब वो नहीं होता है जो बेस पे होता है, बेस एंगल मतलब वो एंगल्स जो लॉन्गर साइड पे है, ग्रेटर साइड पे है। समझो पैरेलल साइड्स है ना, उसमें से एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, तो जो भी ग्रेटर साइड पे है दैट दैट एंगल्स आर कॉल्ड एज बेस एंगल। तो दोनों बेस एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हाँ रुकना, करते करते समझा सब लोगों यहाँ तक समझा? ठीक है, तो आज अपन मिड पॉइंट थ्योरम चालू करते हैं। देखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है सुनो ध्यान से, क्योंकि लिखना मत, पहले सुन लो, मैं बाद में लिखवा देता हूँ। अभी सी मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं, पहले कुछ भी मत लिखना, ध्यान से सुनना, नहीं तो सुनोगे नहीं ना, लिखने पे ध्यान रहेगा ना तो समझेगा नहीं, फिर कंफ्यूजन हो गया, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनो। देखो लिखना मत कुछ, मैं बाद में लिखवा दूंगा। सी स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेज इन अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल चाहिए हमको, तो एक ट्रायंगल, अरे मत लिखो बोला तो भी लिखो, क्या कर दो तुम, हेडिंग दे दो क्या मिड पॉइंट थ्योरम? हाँ ठीक है दे दो हेडिंग, दे दिया हेडिंग, लिखो मत मैं लिखवा दूंगा बाद में, सो हेडिंग दे दो, चाहिए दो ये हेडिंग मिड पॉइंट थ्योरम, हो गया जल्दी थोड़ा, ये हेडिंग, अच्छा अब कुछ मत लिखो, अभी लिख लिया ना, हेडिंग दे दिया, अभी सुनो। ये देखो यहाँ पे अभी मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट सेज इन अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल चाहिए हमको, तो देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल आ गया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका नाम है एबीसी। ठीक है, नाउ इन दिस ट्रायंगल स्टेटमेंट सेज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब एक सेगमेंट चाहिए, एक लाइन सेगमेंट चाहिए विच जॉइंस मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स। मतलब यहाँ पे अभी हमको कितने मिड पॉइंट चाहिए, मेरे को बताओ कितने मिड पॉइंट चाहिए? वहां पे लिखा है ना लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, मतलब देयर शुड बी मिनिमम टू मिड पॉइंट्स। दो से ज्यादा रहेगा तो भी चलेगा, तीन रहेंगे तो भी चलेगा, बट देयर शुड बी मिनिमम टू मिड पॉइंट्स। समझा क्या बोला? एक रहेगा तो नहीं चलेगा, वहां पे स्टेटमेंट में दिया है ना लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। सो लेट अस कंसिडर फर्स्ट मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। ठीक है, ये ट्रायंगल के दो साइड के दो मिड पॉइंट चाहिए, तो एक मिड पॉइंट हमने लिया P जो AB का मिड पॉइंट है, एंड सेकंड मिड पॉइंट हम लेंगे AC का, ठीक है, जो मिड पॉइंट है Q का। ये साइड का लिया तो भी चलेगा, बट अभी मैं तुमको फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूँ ना मिड पॉइंट थ्योरम, तो हमने ये सिंपल वाले लिए, ये नीचे वाला लिया तो ऐसा टेढ़ा देखना पड़ेगा हमको, समझा? यू कैन टेक एनी टू मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स। ठीक है, तो अभी दोनों मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, सो वी विल गेट वन सेगमेंट, तो दिस सेगमेंट विल बी PQ। समझा यहां तक? देखो वापस बता दो एक बार स्टार्टिंग से। सी स्टेटमेंट सेज इन अ ट्रायंगल लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब यू शुड हैव टू मिड पॉइंट्स। देख दो मिड पॉइंट है ट्रायंगल में, एंड लाइन सेगमेंट विच इज जॉइनिंग दिस टू मिड पॉइंट। तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट कौन सा होगा? दिस PQ, मतलब ये PQ की बात कर रहे हैं। तो PQ क्या होता है? दिस PQ इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। समझा? मतलब ये जो नया सेगमेंट आया मिड पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद, सो दिस PQ थर्ड सेगमेंट से पैरेलल होगा एंड थर्ड सेगमेंट का हाफ होगा, मतलब दिस PQ विल बी पैरेलल टू BC एंड PQ विल बी हाफ ऑफ BC। इसको ही बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। समझा मिड पॉइंट थ्योरम?
कोई डाउट है किसी को? समझा सब लोग को? हाँ, वो पैरेललोग्राम से क्यों कंपेयर करते हो, लास्ट में बताता हूँ ना। देखो एक बार वापस बताता हूँ, चाहिए तो देखो सुन लो ध्यान से। सी मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट इस क्योंकि लिए इंपॉर्टेंट है, काफी सम्स में आने वाले, इसका प्रूफ भी करेंगे हम बाद में, बट एक बार सुन लो वापस। सी स्टेटमेंट सेज इन अ ट्रायंगल, सो वी विल ड्रॉ वन ट्रायंगल। फिर स्टेटमेंट में बोला है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, दैट मींस देयर शुड बी मिनिमम टू मिड पॉइंट्स, सो वी विल टेक टू मिड पॉइंट्स, वन मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज P एंड अदर मिड पॉइंट ऑफ ए सी दैट इज Q। क्या बोला? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट, जॉइनिंग मिड पॉइंट मतलब ये दोनों मिड पॉइंट का जो लाइन सेगमेंट बना है, दैट लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, दैट मींस PQ विल बी पैरेलल टू BC एंड PQ विल बी हाफ ऑफ BC। समझा? नहीं समझा? अभी एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, आंसर देना। अगर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है तो क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, सोच के बताओ। नहीं नहीं लिखो मत, सिर्फ सुनो ध्यान से। If you need to apply midpoint theorem, तो question में given information क्या होनी चाहिए? Very good, सबसे पहले एक triangle होना चाहिए, क्योंकि ले हम quadrilateral chapter पढ़ रहे, confuse मत होना, quadrilateral में apply नहीं होता है midpoint theorem, midpoint theorem is applied in a triangle, तो एक triangle होना चाहिए, very good। Second condition क्या होनी चाहिए? दो ही condition है, first is triangle should be given, second condition, very good, there should be two midpoints, तो ये दोनों चीज याद रखना, समझा? नहीं समझा? That means we should have one triangle and we should have two midpoints, then you can apply midpoint theorem. And midpoint theorem ko apply kaise karte hai? That segment which is joining midpoint will be half of third side and it will be parallel to third side. Sabko samjha midpoint theorem? Theek hai, chalo ab iska sum karte hai, ek sum karte hai. Likho 5.5 question number 1, 5.5 question number 1. Don't draw figure, figure is already given in textbook. Figure draw mat karo, chalega. Textbook mein diya hai wo figure. So solution likh lena. अरे वो लिखो मत, वो मिड पॉइंट थ्योरम, ये सब में हम वही अप्लाई करने वाले, तो ये सब में हो जाएगा तुम्हारा, वो एक्स्ट्रा मत लिखो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, वो तो मैं थ्योरम जब पढ़ाऊंगा तब लिखवा दूंगा। डोंट ड्रॉ फिगर, फिगर इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, सो यहाँ पे देखो ध्यान से। सी क्वेश्चन सेज इन गिवन फिगर एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, दैट मीन्स वी हैव वन ट्राइंगल ए बी सी, दिख रहा है? नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ढूंढते हैं, दिख रहा है एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, दीज आर थ्री मिड पॉइंट्स, ये तीनों मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब दीज टू साइड्स विल बी इक्वल, देन यहाँ पे वाई इज ऑल्सो मिड पॉइंट सो दीज टू साइड्स विल बी इक्वल, जेड इज ऑल्सो मिड पॉइंट सो दीज टू साइड्स विल बी इक्वल, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, ध्यान से सुनो और सोच के बताओ। सी यहाँ पे मेरे को बताओ, कैन यू अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम, सोच के बताओ अप्लाई कर सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम? मैंने क्या बोला था, मिड पॉइंट थ्योरम के लिए कितने मिड पॉइंट्स होने चाहिए? कम से कम दो होने चाहिए ना, यहाँ पे तीन है, चलेगा? दो से ज्यादा रहेंगे तो भी चलेगा, बट दो से कम नहीं होने चाहिए, सो वी शुड हैव मिनिमम टू मिड पॉइंट्स, सो वी हैव हियर थ्री मिड पॉइंट्स, दैट मींस वी कैन अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। चलो अब देखते क्वेश्चन में क्या बोला। क्वेश्चन सेज वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लिख दिया मैंने। नेक्स्ट ए सी इज 9 सेंटीमीटर, वो भी लिख दिया, बी सी इज 11 सेंटीमीटर, वो भी लिख दिया, तो ऑल दिस थ्री साइड्स आर गिवन टू अस, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट यू नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, दिख रहा है ये एक्स वाई, दिख रहा है एक्स वाई, दिख रहा है एक्स वाई, देखो बताओ दिस एक्स वाई इज इट सेगमेंट विच इज जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, इज दैट एक्स वाई इज मेड अप ऑफ सेगमेंट विच इज जॉइनिंग मिड पॉइंट्स, देखना वो एक्स और वाई मिड पॉइंट है, तो ये एक्स वाई इज अ सेगमेंट विच इज मेड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट, तो ये एक्स वाई और एसी का कुछ रिलेशन होगा क्या, सोच के बताओ, एक्स वाई और एसी का कुछ रिलेशन होगा, देखना ये एक्स वाई और एसी का हाफ रहेगा ना, उसका हाफ हाफ रहेगा ना, रीजन क्या आएगा उसका, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, तो ये एसी तो है अपने पास, तो ये 9 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स वाई विल बी 3, अरे 3 लिखते हैं, 3 कैसे आएगा, 9 का हाफ क्या होता है, 4.5, वेरी गुड, 4.5 आएगा ना, 4.5 आएगा, सो दिस विल बी हाफ ऑफ 9। नेक्स्ट नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट यू नीड टू फाइंड वाई जेड, YZ भी देखो ध्यान से, इज YZ सेगमेंट फॉर्म बाय जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स, देखो ध्यान से YZ भी ऐसा सेगमेंट है विच इज मेड बाय जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स, ठीक है, सो YZ किसका हाफ रहेगा मेरे को बताओ, YZ विल बी हाफ ऑफ 5, वेरी गुड, 5 का हाफ रहेगा, तो कितना आएगा, आंसर विल बी 2.5, समझा सब लोगों को?
नेक्स्ट लास्ट सेगमेंट एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड इज अगेन सेगमेंट विच इज मेड बाय जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स. सो एक्स जेड विल बी हाफ ऑफ, किसका हाफ रहेगा एक्स जेड? 11 का हाफ रहेगा. वेरी गुड, कितना आएगा आंसर 11 का हाफ किया तो 5.5. समझा सब लोगों को? तो हो गया, तीनों वैल्यूज आ गया. अभी यही सब लिखते हैं हम, ठीक है? अभी फर्स्ट दो में तुम लोग को लिखवाता हूँ, थर्ड वाला तुम लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है? स्टेप्स में बता देता हूँ, स्टेप्स एग्जाम में कैसे लिखना पता होना चाहिए ना. सी, सबसे पहले विल राइट नेम ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल का नाम लिखते सबसे पहले. लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी. लिखो फटाफट इन ट्रायंगल ए बी सी. अभी सबसे पहले सिलेक्ट करो तुम लोग कौन सा साइड फाइंड कर रहे हो. कौन सा साइड फाइंड करना है हमको सबसे पहले? एक्स वाई. एक्स वाई ना, तो एक्स वाई के लिए मेरे को बताओ हम कौन से दो मिड पॉइंट लेंगे एक्स वाई सेगमेंट के लिए. एक्स वाई फाइंड करने के लिए एक्स वाई सेगमेंट मेड बाय टू मिड पॉइंट एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई को ही कंसिडर करना है सिर्फ. तो एक्स मेरे को बताओ किसका मिड पॉइंट है. एक्स इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड वाई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी. तो उतना लिखते हैं. लिखो एक्स एंड वाई, ये देखो जो मैंने बोला वही लिख के आएगा यहाँ पे. देख लो एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली. लिख लो इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली. लिख लो ये सब स्टेप्स याद रखना. ये स्टेप्स नहीं लिखे ना एग्जाम में हाफ मार्क वन मार्क कट हो जाएंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स एंड वाई आर मिड पॉइंट ऑफ, वो दोनों साइड मेंशन करने को कौन से दो साइड के मिड पॉइंट है ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली. कंप्लीटेड हो गया, डन एवरीवन. बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा. एक्स वाई, एक्स वाई इक्वल टू क्या आएगा. एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ, किसका हाफ रहेगा. एक्स वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी. वेरी गुड. रीजन में क्या लिखोगे. रीजन विल बी बाय मिड पॉइंट थ्योरम. लिख लो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. कर दो सॉल्व, कर दो आएगा ना सबको. सिंपल एकदम, सब्स्टिट्यूट करो कंप्लीट कर दो. लास्ट में लिखना सेंटीमीटर, लिखना उसका यूनिट 4.5 सेंटीमीटर. वेरी गुड. जो लोग आंसर भेज रहे हैं बुक में भी लिखना है. लिख लो पूरा सम कंप्लीट कर दो. देखो चेक करो आएगा 4.5 आना चाहिए. वैसे काफी सिंपल है, उसमें लिखना सेंटीमीटर लिखना, बट सेंटीमीटर नहीं लिखा तो हाफ मार्क कट. जल्दी कंप्लीट करो. इजी है ना. अभी सेकंड और थर्ड पार्ट भी आएगा ना तुमको खुद से, मतलब ऐसा ही है सेम, सिर्फ तुम लोगों को नेमिंग चेंज करना है. तो सेकंड पार्ट भी मैं थोड़ा सा बताता हूँ, फिर थर्ड वाला पार्ट पूरा तुम लोग खुद से करना, ठीक है? सेकंड पार्ट में थोड़ा सा स्टार्टिंग का बता देता हूँ. हो गया क्या सबका यहाँ तक? देखो चेक कर लो, दो मिनट देता हूँ मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लेके आता हूँ. चेक कर लो ऐसे लिखा है क्या. आई एम श्योर सबने ऐसे लिखा होगा. 4.5 आंसर आते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें एग्जाम. हाँ सुनो, अभी एग्जाम में ना ये बहुत लोगों को डाउट आता है कि सर एग्जाम में फिगर दिया होगा या नहीं दिया होगा. तो एग्जाम में ना वो लोग वही फिगर देंगे जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है. जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है ना वो लोग वो फिगर नहीं देंगे. तो आंसर पेपर में ना तुम लोग सब सम का फिगर्स ड्रॉ करना, कोई भी क्वेश्चन में छोड़ना मत. अगर फिगर दिया हो चाहे नहीं दिया हो फिगर ड्रॉ कर लेना. जो फिगर के लिए हाफ मार्क देते हैं, समझा? अभी कोई कोई टीचर लोग बोलते हैं नहीं ड्रॉ किया तो भी चलेगा, बट हो सकता है वो मार्क्स कट कर दे एग्जाम में. तो रिस्क मत लेना, हर सम के लिए फिगर ड्रॉ कर लेना, ठीक है? डन एवरीवन. चलो जो लोग रिपीट बोल रहे हैं उनको मैं सेकंड वाला सब वापस बताता हूँ एक बार. एक सेकंड वाला पार्ट है ना वो मैं ही करता हूँ, तुम लोग मत करो. ये हो गया सबका यहाँ तक लिख के. देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है हमको. वाई जेड भी वापस सबसे पहले ट्राइंगल का नाम लिखेंगे. लिखो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी. नाउ यू नीड टू फाइंड वाई जेड. वाई जेड को देखो ज्यादा ध्यान से. इज वाई जेड सेगमेंट विच इज मेड बाय जॉइनिंग टू मिड पॉइंट्स. दो मिड पॉइंट ज्वाइन करके सेगमेंट बना है क्या वाई जेड? तो कौन से दो मिड पॉइंट ज्वाइन किए, कौन से दो मिड पॉइंट? वाई एंड जेड, ठीक है? सो वाई इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड जेड इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. तो वही लिखा है, देखो उधर y and z are midpoints of bc and ac respectively. लिख लो y and z are midpoint of bc and ac respectively. जो लोग बोल रहे थे रिपीट करने को उनको समझा गया? अच्छा तुम लोग ना वो वीडियो में दमशेदास मत खेलो, क्योंकि मेरे को ना चार ही वीडियो दिखते हैं, बाकी लोग के वीडियो दिख रहे नहीं है. तो मैसेज करोगे तो बेटर रहेगा. एंड जिसका नेट का प्रॉब्लम आ रहा है वो लोग वीडियो बंद कर दो. वीडियो बंद करोगे तो बराबर तुम्हारा नेट चलेगा.
डन एवरीवन, लिखा इतना, चलो आगे का पार्ट खुद से सॉल्व करो, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो, पूरा सम हो गया, वेरी गुड। और किसी का हुआ पूरा सम? आया 2.5, जिसका हो गया थर्ड पार्ट करो खुद से, ठीक है, मैं वेट करता हूँ। जिन लोगों का हो गया सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट खुद से करो, स्टेप्स लिखो फटाफट, वैसे ही आएगा सेम। नहीं नहीं वैसा मत लिखना, वो तीनों साथ में मत लिखना, ऐसा अलग अलग ही सॉल्व करना, मतलब वो तीनों एक साथ में मत कर लेना मिड पॉइंट, अलग अलग पार्ट में स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। चलो देखो चेक कर लो ये वाला पार्ट, ऐसे लिखा है क्या? आई एम श्योर सबने ऐसे लिखा होगा, रीजन लिखना मिड पॉइंट थ्योरम। अभी थर्ड पार्ट खुद से सॉल्व करो, दो मिनट वेट करता हूँ, थर्ड वाला पार्ट एक्स जेड निकालो, एक्स जेड का वैल्यू। ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन ऐसे रखता हूँ मैं, जो लोग का नहीं हुआ, जो लोग चेक करना चाहते चेक कर लो, दो मिनट वेट करो फिर थर्ड पार्ट भी दिखाता हूँ, हो जाने दो सब लोग का, कुछ लोग सॉल्व कर ले। हाँ जिसका पूरा हो गया वेरी गुड, बाकी लोग सॉल्व कर ले, रुको ना थोड़ी देर, दो मिनट वेट करते करने दो उनको सॉल्व। ये सेकंड पार्ट चेक कर लो, राइट ही आ जाएगा ना सबका, 2.5 आंसर आता है, डन। अच्छा सेकंड पार्ट हो गया सबका, सेकंड पार्ट हो गया रहेगा ना ये 2.5 वाला, ठीक है, जल्दी स्टार्ट करो थर्ड पार्ट, मैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ, करो खुद से सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर, वेरी गुड। जिसका पूरा सम हो गया वेरी गुड, बाकी लोग का भी हो जाने दो, मैं थर्ड पार्ट दिखाता हूँ। आई गेस सेकंड पार्ट सबका हो गया रहेगा, तो देखो यहाँ पे थर्ड पार्ट का फर्स्ट हाफ इतना है, तो उसके बाद कर लो आगे सॉल्व, कंप्लीट कर लो। अरे सिमिलरली नहीं लिख सकते है, क्योंकि सॉल्विंग है ना इसमें, मैंने कल बोला था याद है क्या, सिमिलरली कब लिखते हैं, जब प्रूफ रहेगा, जब भी प्रूफ रहेगा ना, तुम लोग इक्वल प्रूफ करते हो या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हो तब सिमिलरली लिखो, तब चलेगा। इसमें सॉल्व कर देना, अपन आंसर निकाल देना, वो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा आंसर कैसा है। अरे नहीं कंपलसरी नहीं है वीडियो ऑन करना, मत करो वीडियो ऑन, मैंने उनको बोला नहीं, वो लोग ऐसी वीडियो चालू करके बैठे, तुम लोग बस सॉल्व कर लो, हो गया क्या सॉल्व? डन एवरीवन थर्ड पार्ट, ठीक है, और एक दो मिनट वेट करता हूँ। अरे 5.4 का जो सम बाकी है ट्राई करना खुद से, आ जाएगा, इजी है, नहीं आया तो पूछना मेरे को बाद में, मैं बता दूंगा सॉल्यूशन। देखो चेक कर लो आया क्या 5.5, अरे देखते हैं, मैं रुकना पहले मिड पॉइंट थ्योरम कंप्लीट करता हूँ, फिर देखते हैं टाइम बचा तो करवा दूंगा बचे हुए सम भी। वेरी गुड, जिसका आंसर राइट आया हो गया क्या सब लोग का? अच्छा और ट्रायंगल एबीसी सिर्फ एक बार लिखा तो भी चलेगा, वो तीन बार इन ट्रायंगल एबीसी नहीं लिखा तो चलेगा, सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में लिख दो इन ट्रायंगल एबीसी, बट वो मिड पॉइंट वगैरह तीन बार लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो नेक्स्ट सम 5.5 क्वेश्चन नंबर 3, 5.5 क्वेश्चन नंबर 3, 5.5 क्वेश्चन नंबर 3। अभी इसका ना इसका भी फिगर गिवन है तो मत ड्रॉ करो, इसका फिगर थोड़ा सा लेंदी है एंड थोड़ा बहुत कुछ है उसमें, तुम लोग बेटर ड्रॉ मत करो, ये तो करना है तो एक काम करो, नहीं ये सम का मत करो, इसके बाद वाले सम का कर लेना, ये सम काफी इजी है, तो ये सम का मत करो, इसके बाद वाले सम्स का कर लेना। 5.5 एक्सरसाइज में सब सम के फिगर दिए हुए टेक्स्ट बुक में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, सी क्वेश्चन सेज इन ट्रायंगल एबीसी, एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिख रहा है एबीसी, दिख रहा है क्या एबीसी? अबे फास्ट जा रहा हूं मैं, मतलब वो फास्ट लग रहा है क्या? सो यू आर गोइंग वेरी फास्ट, फास्ट लग रहा है क्या? अरे हो गया ना लास्ट सम सबका, लास्ट सम हुआ क्या? स्टार्ट करें ये सम, लिख लो 5.5 क्वेश्चन नंबर 3, लिखा, अब लिखना बंद करो। यहाँ पे देखो सुनो ध्यान से, सुन लो पहले सुन लो, बाद में सॉल्व करते, पहले सुन तो लो क्वेश्चन, पहले देखते हो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या प्रूफ करना है, सुनो ध्यान से। सी क्वेश्चन सेज ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इफ यू ऑब्जर्व हियर वी हैव ट्रायंगल एबीसी विच इज इक्विलैटरल, समझाइए इतना फर्स्ट पार्ट समझा जाएगा ना, लिख लो ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, रीजन गिवन, उसमें वैसे ही आ रहे लिखते हैं तो अपन भी लिखते जाते हैं, लिख लो ट्रायंगल एबीसी
इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, रीजन गिवन, गिवन है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, रीजन भी लिखना गिवन, डन। ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, रीजन गिवन, फर्स्ट पार्ट था हमको समझा, हमने फिगर में देखा और लिख दिया सॉल्यूशन, बड़े आगे सेकंड पार्ट देखे, चलो नेक्स्ट पार्ट। फर्दर इट सेज एफ डी ई आर मिडपॉइंट्स, आर मिडपॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी, तो ये तीनों साइड पे एक एक मिडपॉइंट है। अच्छा मेरे को बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल रहेगा तो साइड्स का कुछ रिलेशन है क्या, मेरे को बताओ कुछ रिलेशन है, ऑल साइड्स विल बी इक्वल, ऑल साइड्स विल बी इक्वल ना, लिख लो ये भी लिख लो, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, एंड मार्क दैट इक्वेशन वन, रीजन आएगा साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, अरे मिड पॉइंट जब नहीं आएगा वो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसके लिए इक्वल है, लिख लो रीजन, ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, इक्वेशन वन, रीजन विल बी साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, कंप्लीटेड। या फिर ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ऑल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल, जैसे भी तुमको जो इजी लगता है वो। डन एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, देखते हो गया ना सब लोग का, और वेट करो, डन। नहीं नहीं मत करो, स्टार मार्क मत करो सर, लेने दे, बाय डेफिनेशन लिखा तो नहीं चलेगा, यही लिखना साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सी नेक्स्ट पार्ट, इट सेज एफ डी ई, दिख रहा है क्या एफ डी ई, ये देखो पहला पॉइंट एफ, ये एफ बोला है मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल, नेक्स्ट डी, डी इज अगेन मिड पॉइंट तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल, ई, ई इज अगेन मिड पॉइंट तो दोनों पार्ट्स इक्वल, ये तीन मिड पॉइंट दिए। तो मेरे को सोच के बताओ मिड पॉइंट दिया है, मिड पॉइंट तीन मिड पॉइंट दिया तो कौन सा थियरम होगा, कौन सा थियरम यूज कर सकते हैं, मिड पॉइंट दिया ना, मिड पॉइंट दिया हुआ है, कम से कम दो मिड पॉइंट होने चाहिए, तो कम से कम दो मिड पॉइंट है अपने पास तो मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है, बट इसमें डायरेक्ट यूज नहीं होगा, दो मिनट सुन लो अपने को क्या प्रूफ क्या करना है। सी वी नीड टू शो दैट एफ ई डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये देखो दिख रहा है एफ ई डी, बीच में जो ट्रायंगल फंसा हुआ है, ये ट्रायंगल को हमको इक्विलैटरल प्रूफ करना है। मेरे को बताओ एक ट्रायंगल इक्विलैटरल कब होता है, when can we say that a triangle is an equilateral triangle, kab bol sakte ho tum log ek triangle, nahi nahi test se nahi hoga, aur socho, aur socho, test se nahi hoga, aur socho na kab hota hai ek triangle equilateral triangle, very good, jab sab sides equal honge ya fir sab angles equal honge, so somehow you need to get all sides to be equal, theek hai, ye hint mein mat likho, yahan pe aa raha hai tum log mat likho, to kafi simple hai, so somehow you need to get all these three sides to be equal, likha hai wahan pe कुछ भी करके तीनों साइड इक्वल आ गया तो वी कैन से दैट दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये तीनों साइड इक्वल कैसे आता है, देखो अभी यहाँ पे अपने पास मिड पॉइंट दिया है ये ट्रायंगल में, तो मिड पॉइंट दिया तो हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। एंड अभी यहाँ पे एक चीज याद रखो, दो मिनट सुनो, सुनो लिखो मत, सुनो, मिड पॉइंट थ्योरम में ना दो पार्ट था, एक था पैरेलल और एक था हाफ, याद है ना, मिड पॉइंट थ्योरम में लास्ट सम में भी हमने हाफ ही किया, ये सम में भी हम हाफ ही करने वाले, याद है क्या, एक पैरेलल था और एक हाफ था, थर्ड साइड इज पैरेलल एंड इट इज हाफ ऑफ इट, लास्ट सम में भी हमने हाफ ही किया था, इसमें भी हाफ ही करने वाले, क्यों हाफ कर रहे, बिकॉज अगर साइड का वैल्यू चाहिए, साइड का वैल्यू अगर चाहिए ना तुमको तो हमेशा हाफ करने का, समझा, अभी इसमें भी साइड का वैल्यू ही चाहिए ना हमको, वो साइड्स इक्वल दिखाने, मतलब साइड्स का वैल्यू इक्वल आना चाहिए, तो कभी भी अगर साइड का वैल्यू चाहिए तुमको तो हमेशा हाफ ही यूज करना, अगर तुमको कुछ प्रूफ करना है, कोई टेस्ट यूज करना है, तभी वी विल यूज पैरेलल, समझा, कब पैरेलल यूज करना है, कब हाफ यूज करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, देखो एक एक करके, सबसे पहले विल पिक दिस टू पॉइंट्स एफ और ई, एफ ई, सो एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लिख लो एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, करो अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम, एंड मार्क दैट इक्वेशन नंबर टू, खुद से करो, हाँ हाँ आज ये चैप्टर हो जाएगा, कंप्लीट ही करेंगे आज अपन ये चैप्टर, हो जाएगा 7 बजे तक, लास्ट पार्ट है मिड पॉइंट थ्योरम, फिर इसका थ्योरम सिखा देता हूँ, कंप्लीट हो जाएगा।
जल्दी करो, मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो क्या? हाँ हाँ रुकता हूँ, एक मिनट रुकता हूँ, कर लो अप्लाई कर लो। रीजन लिखना होगा मिड पॉइंट थ्योरम एंड मार्क दैट इक्वेशन नंबर टू, इक्वेशन टू मार्क करो। कैसा आएगा? एफ ई, एफ ई विल बी हाफ ऑफ, एफ ई विल बी हाफ ऑफ, एफ ई विल बी हाफ ऑफ बी सी। वेरी गुड, मार्क दैट इक्वेशन टू, राइट रीजन एज मिड पॉइंट थ्योरम। हो गया सब लोग का? जल्दी थोड़ा डन। नहीं पैरेलल वाला यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको साइड्स चाहिए था ना यहाँ पे, पैरेलल वाला पार्ट इसलिए हमने यूज नहीं किया। पैरेलल वाला पार्ट तब यूज करने का जब तुमको कुछ तो प्रूफ करना रहेगा, एंगल्स इक्वल या जो भी प्रूफ रहेगा। तो यहाँ पे हमको साइड्स की वैल्यू चाहिए ना, साइड्स की वैल्यू इक्वल दिखानी है, तो दैट इज द रीजन वी विल यूज हाफ वाला पार्ट। इज कंप्लीटेड? एग्जाम में गलती से पैरेलल भी लिख दिया तो चलेगा, कोई मार्क्स नहीं कट करेगा। डन। नेक्स्ट, नेक्स्ट दो पॉइंट्स लेते हैं। सी, टेक पॉइंट ई एंड डी, लिखो इसका स्टेप्स, लिखो खुद से क्या आएगा। ई, सॉरी पहले डी लिखते हैं। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, डी एंड ई आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। करो अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम। डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ, हाँ मैं बताता हूँ ना कैसे होगा, दो मिनट, हाँ दो मिनट। बी सी का वैल्यू नहीं दिया है, मैं बताता हूँ कैसे इक्वल होगा, तो अप्लाई करते जाते हैं, समझ जाएगा लास्ट में। लिख लो, हाँ इसमें सिमिलरली लिख सकते हो, वैसे रॉन्ग नहीं है, बट अभी फर्स्ट टाइम लिख रहे हो तो लिख लो, एग्जाम में सिमिलरली लिखा तो भी चलेगा, बट अभी लिख लो, पूरा सम लिख लो अभी। लिखा क्या आएगा इधर? अभी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा ना तुम लोग का मिड पॉइंट थ्योरम कैसे अप्लाई करते हो, इसके लिए लिख लो पूरा। लिखा डी ई इज हाफ ऑफ, डी ई इज हाफ ऑफ ए बी। वेरी गुड, मार्क दैट इक्वेशन नंबर थ्री एंड रीजन वही आएगा मिड पॉइंट थ्योरम। लिख लो, कंप्लीट कर लो। भी एक ही पार्ट बचा है, खुद से करोगे लास्ट पार्ट? कौन से दो पॉइंट बचे, कौन से दो पॉइंट जो हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया? एफ एंड डी, वेरी गुड, एफ एंड डी करो अप्लाई। एफ डी विल बी हाफ ऑफ, बट वो स्टेप्स लिखना वैसे ही, एफ एंड डी में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो। आएगा सब लोगों को? सिंपल है, पहले इतना कंप्लीट कर लो, फिर एफ एंड डी में मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करो। वेरी गुड, जिसका हो गया वेरी गुड, मैं आंसर नहीं बता दो, सब लोगों का हो जाने दो, उसको इक्वेशन फोर मार्क कर देना एंड रीजन लिखना मिड पॉइंट थ्योरम। हाँ जिसका हो गया वेरी गुड, इक्वेशन फोर मार्क कर दो एंड रीजन में लिखना मिड पॉइंट थ्योरम। ये हो गया सबका सेकंड पार्ट, इक्वेशन थ्री तो हो गया रहेगा ना, इक्वेशन थ्री। चलो लिखते हैं, आगे लिखते हैं। देखो चेक करो, ऐसे लिखा है एफ एंड डी आर, या फिर डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। सो वी कैन से एफ डी विल बी हाफ ऑफ ए सी, इक्वेशन फोर रीजन मिड पॉइंट थ्योरम। चेक करो ऐसे लिखा है क्या, इक्वेशन फोर भी। यहां तक लिखने के बाद कुछ लिखना मत, सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ, इसके आगे सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान देना। तो बता दो ये प्रूफ कैसे होगा? हो गया अभी प्रूफ, दो ही स्टेप बाकी है, हो गया सब अपना। यहाँ पे से ध्यान से देख लो, मैं बता दो कुछ तो इम्पोर्टेंट है। हो गया यहाँ तक सबका लिख के, इक्वेशन फोर आ गया कि वेट करो? डन एवरीवन। हाँ ठीक है वेट करता हूँ, दो मिनट वेट करता हूँ, कंप्लीट कर लो, इक्वेशन फोर तक आ जाओ सब लोग। कुछ लोगों को समझ भी गया है प्रूफ कैसे होगा, मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो, सबको बताता हूँ, इजी है। कंप्लीटेड एवरीवन, जल्दी थोड़ा, लास्ट वन मिनट जल्दी कंप्लीट कर लो। हाँ हाँ बराबर वैसे होगा, नहीं एडिंग नहीं करेंगे इक्वेशन को, कुछ और करेंगे, रुकना बता दो, दो मिनट सबका हो जाने दो, पहले बता दो कैसे आएगा आंसर। डन, जल्दी थोड़ा। हाँ हाँ मिड पॉइंट थ्योरम इम्पोर्टेंट है, उसका प्रूफ आता है एग्जाम में बहुत बार, चार मार्क के लिए मैं सिखाता हूँ ना उसका प्रूफ भी, इजी है वो, एंड में करते हैं अपन, सबसे लास्ट में करते हैं। हुआ सब लोग का? डन एवरीवन। ये देखो सुनो, अभी ना मैं चारों इक्वेशन यहाँ पे लेके आता हूँ, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे देखो, इफ यू ऑब्जर्व इक्वेशन नंबर टू थ्री एंड फोर, ये टू थ्री एंड फोर में
राइट हैंड साइड सेम है क्या? राइट हैंड साइड हाफ 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 विल बी इक्वल टू हाफ विल बी इक्वल टू हाफ एंड उसके बाद ये बी सी ए बी ए सी ये भी इक्वल है क्या? तो को बताओ सोच के, हाफ 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 तो इक्वल ही रहेगा ना, एंड बी सी ए बी और ए सी भी इक्वल है क्या फ्रॉम इक्वेशन वन? मतलब वी कैन से एंटायर राइट हैंड साइड विल बी इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या इक्वल आएगा लिख सकते हो खुद से, क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल? एफ ई विल बी इक्वल टू डी ई इक्वल टू डी एफ, सबको समझा? तो देखो प्रूव हो गया, हो वही तो प्रूफ करना था. सो इन रीजन वी कैन राइट फ्रॉम वन टू थ्री एंड फोर एंड हेंस वी कैन से दिस ट्रायंगल इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर इक्वल बाय डेफिनेशन. सबको समझा, सम समझा क्या? बाद में लिख लेना, पहले समझा क्या सब लोग को वो तीनों साइड्स इक्वल कैसे है? वापिस बताओ, वापिस बताओ एक बार. समझ गया, समझ गया सबको? चलो वेरी गुड, लिख लो, कंप्लीट कर लो. ये देखो यहां से लिखना है, यहां से स्टार्टिंग का हमने लिखा है ऑलरेडी, यहां से लिखो. देयरफॉर एफ ई इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू डी एस, एफ ई इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू डी एस. वापिस बताओ एक बार, ठीक है सुन लो. ये देखो यहाँ पे देखो, ये तो एक काम करो तुम लोग लिख लो पहले, बाद में वापिस एक बार बता देता हूँ, तो काफी लोग लिख रहे, वापिस एक बार बता देता हूँ चलेगा, पहले लिख लो, लिख के कंप्लीट कर लो सब. तो यहाँ से लिखना है एफ ई इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू डी एफ फ्रॉम वन टू थ्री एंड फोर, देयरफॉर एफ डी ई इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बाय डेफिनेशन. इधर रीजन आएगा, रीजन लिखना तुम लोग बाय डेफिनेशन, ये तो हाफ मार्क कट एग्जाम में, इधर रीजन लिखना बाय डेफिनेशन. कंप्लीटेड? हाँ मैं वापस बताता हूँ, एक बार हो जाने दो सबका, डन, जल्दी कंप्लीट कर लो, लास्ट वन मिनट. डन एवरीवन, हुआ क्या? जल्दी छोड़ो. डन, वापिस एक बार बता देता हूँ, कुछ लोग बोले मेरे को सर एक बार वापिस बता दो. देखो मैं यहाँ तक तो समझा रहेगा ना, चार बार मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई किया. देखो ये इसका पिछला वाला स्लाइड, ठीक है, इसके बाद में मैंने चारों इक्वेशन यहाँ पे लेके आया, जिसको समझा वापिस सुन लो, रिवाइज हो जाएगा. देखो नाउ ऑब्जर्व इक्वेशन टू थ्री एंड फोर, ठीक है, टू थ्री एंड फोर, इसका राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करो, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इफ यू ऑब्जर्व, तो हाफ 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 इक्वल है, सेम है हाफ हाफ हाफ. उसके बाद में ये तीन साइड BC, AB and AC, are these sides also equal? ये तीनों sides भी equal है ना, from one. That means we can say entire right hand side is equal. तो अगर right hand side equal होगा, तो we know left hand side भी equal होगा. So all these three sides will be equal to each other from one, two, three and four. ठीक है? And then we can say triangle is an equilateral triangle. अरे starting से कुछ नहीं, वो starting में तो वही था ना. Triangle equilateral दिया हुआ है, तो सब sides equal ले लिया. बाद में चार बार, तीन बार midpoint theorem apply किया. एंड उसके बाद का ये पार्ट, समझा? हाँ हाँ वन भी आएगा ना, वन क्यों आएगा? बिकॉज ये देखना यहाँ पे बी सी ए बी एंड ए सी कौन था ये देख सकते. ये देखो सुनो सुनो, यहाँ पे मेरे को एक जन ने पूछा कि सर वन क्यों लिखने का, ये वन, ये बी सी ए बी और ए सी वन से आया ना, तो वन भी मेंशन करना पड़ेगा, इसके लिए वो चारों लिख, ठीक है. चलो नेक्स्ट हम देखते हैं. अब सुनो, नेक्स्ट सम के पहले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट क्या होता है वो देख लेते हैं. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट समझने के लिए तुमको पहले मिड पॉइंट थ्योरम आना चाहिए अच्छे से. मिड पॉइंट थ्योरम समझा सब लोगों को? मिड पॉइंट थ्योरम में कुछ डाउट है किसी को? नहीं ये लिखो मत, पहले सुन लो. मिड पॉइंट थ्योरम समझा है ना सब लोगों को? नहीं समझा, नहीं बोल, समझा गया मिड पॉइंट थ्योरम? अच्छा मेरे को बताओ मिड पॉइंट थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या होता है? गिवन इन्फॉर्मेशन मिड पॉइंट थ्योरम में एक ट्रायंगल होना चाहिए एंड दो मिड पॉइंट होने चाहिए, याद है ना? दैट मींस एक ट्रायंगल दिया और दो मिड पॉइंट दिया है, मतलब दो से ज्यादा देंगे तो भी चलेगा, बट मिनिमम देयर शुड बी टू मिड पॉइंट्स, देन यू कैन अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है. अब कन्वर्स में ना, कन्वर्स में इसका उल्टा होता है, मतलब तुमको मिड पॉइंट दिया नहीं होगा, तुमको मिड पॉइंट प्रूफ करना होगा, समझा कन्वर्स का मीनिंग? मिड पॉइंट थ्योरम में मिड पॉइंट इज गिवन टू अस एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में वी नीड टू प्रूव दैट इट इज एन मिड पॉइंट, समझा? इतना बेसिक समझा गया, फिर और डिटेल में मैं बताता हूँ. इतना 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 समझा रहेगा ना. मिड पॉइंट थ्योरम में मिड पॉइंट इज ऑलरेडी गिवन टू अस, मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन में होता है मिड पॉइंट थ्योरम में, बट कन्वर्स में क्या होता है? कन्वर्स में यू नीड टू प्रूव दैट इट इज अ मिड पॉइंट, समझा?
चलो अभी देखते हैं इसका स्टेटमेंट देखते हैं. देखो कुछ लिखो मत, सो यहाँ पे ध्यान से देखो. सी क्वेश्चन सेज इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू सेकंड साइड देन इट बाइसेक्ट थर्ड साइड. अभी ये स्टेटमेंट बहुत कुछ लिखा है स्टेटमेंट में, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो ध्यान से. तो पूरे स्टेटमेंट में ये तो समझा जाएगा कि वी नीड अ ट्रायंगल, मतलब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट भी ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, क्वाड्रिलेटरल में अप्लाई नहीं होता है, तो इसके लिए भी एक ट्रायंगल ही चाहिए अपने, ठीक है. देन इट सेज इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू अ मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, दैट मींस ये तीनों साइड में से ना कोई भी एक साइड को पिक करने का, कोई भी एक साइड पिक करो, कोई भी एक साइड पिक करने का. एंड क्या बोला है, मिड पॉइंट ऑफ एनी वन साइड, मतलब एक साइड पिक करके उसका मिड पॉइंट होना चाहिए, मतलब वी आर पिकिंग हियर ए बी एंड ए बी का मिड पॉइंट हमने पी लिया है, समझा इतना पार्ट समझा. तो एक ट्रायंगल होना चाहिए एंड ट्रायंगल में कोई भी एक साइड का मिड पॉइंट होना चाहिए. नेक्स्ट तो क्या बोल रहे हैं, देख आगे सुनो क्या बोल रहे हैं. नाउ दिस इज आवर फर्स्ट साइड, दिस फर्स्ट साइड इज इफ अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम दिस फर्स्ट साइड. अब ये फर्स्ट साइड के मिड पॉइंट से अगर तुम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे देन दिस लाइन, ये जो लाइन तुमने अभी बनाया दिस लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, समझा नहीं समझा, वापिस बता दो. सुनो देखो यहां तक तो समझा, सबसे पहले एक ट्रायंगल चाहिए. एक ट्रायंगल के बाद क्या चाहिए, कितने मिड पॉइंट चाहिए, एक ही मिड पॉइंट होना चाहिए, एक मिड पॉइंट. तो एक मिड पॉइंट भी आ गया है. अब क्या बोल रहा है ये आगे, अगर ये एक मिड पॉइंट से अगर तुम लोग एक लाइन बनाओगे तो ये लाइन शुड बी पैरेलल टू थर्ड साइड, मतलब पैरेलल होना चाहिए, ठीक है. ये भी गिवन इन्फॉर्मेशन ही है, मतलब पैरेलल होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है. अब ये पैरेलल है तो होता क्या है, देखो देन यू कैन से दैट दिस पॉइंट ऑन थर्ड साइड बाइसेक्ट थर्ड साइड मतलब दिस क्यू विल बी मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड, समझा कुछ नहीं समझा, वापिस बताता हूँ. सुनो ये देखो यहाँ पे देखो, एक काम करो तुम लोग अभी ड्रॉ भी करते जाओ साथ साथ, जब ड्रॉ करोगे तो शायद तुम लोग को और अच्छे से समझेगा. वापिस बताता हूँ, थोड़ा बहुत समझा रहेगा, ऐसा नहीं कुछ नहीं समझा रहेगा, थोड़ा बहुत तो समझा रहेगा. कर लो ड्रॉ, कर लो एक ट्राइंगल ड्रॉ करो. किया एक ट्राइंगल ड्रॉ, मेरे को बताओ इसमें हमको कितने मिड पॉइंट चाहिए, एक मिड पॉइंट चाहिए. तो ये ए बी का एक मिड पॉइंट ड्रॉ कर लो. किया ए बी का मिड पॉइंट ड्रॉ कर लो, पॉइंट बी ड्रॉ किया, कर लो ड्रॉ कर लो, लिखो मत सिर्फ ड्रॉ कर लो, लिखते बाद में लिख लेंगे, ठीक है. डन. नेक्स्ट अब क्या बोला है, ये मिड पॉइंट से तुमको एक सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है. तो वो सेगमेंट शुड टच सेकेंड साइड. अब एसी भी हो सकता है, बीसी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है. तो सेकेंड साइड वी विल टेक, एज हो गया क्या, यहां तक हुआ क्या सब लोग. सेकेंड साइड विल टेक एज बीसी. तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना लो, सो दिस स्ट्रेट लाइन पीक्यू. हाँ लिखो मत, बाद में लिख लेना, ठीक है. मेरे को बताओ ये जो सेगमेंट तुमने बनाया है, ये सेगमेंट सेकेंड साइड से कैसा है, इट इज पैरेलल टू सेकेंड साइड. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब पैरेलल दिया होना चाहिए, समझा. अगर पैरेलल होगा सेकेंड साइड से तो क्या होता है, देन दैट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड, समझा सब लोग को. नहीं समझा, सम्स भी करते इसका, सम्स करेंगे तो और अच्छे से समझ जाएगा. एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, हो गया तुम लोग का ड्रॉ करके, हो गया. ये देखो अभी इसमें ना, इसमें अभी लिखते वक्त ऐसा मत लिखो, इसमें ना लिखते वक्त ऐसा लिखो कि गिवन और ट्रू प्रूफ क्या है. पहले हेडिंग दो गिवन, तो तुम लोग और इजीली समझेगा. ऐसा मत लिखो जो वहां पे दिया, मैं बताता हूँ कैसे लिखना है. पहले हेडिंग दो गिवन, दिया गिवन हेडिंग लिखो. अब गिवन में क्या क्या था ध्यान से लिखो. सी गिवन में विल राइट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये फर्स्ट दो लाइन गिवन है एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये दोनों पार्ट गिवन पार्ट है. पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, लिखा गिवन. पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, डन. पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ये दोनों गिवन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए क्वेश्चन में, तभी तुम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट अप्लाई कर सकते हो. समझा कौन सा दो गिवन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, फर्स्ट एक मिड पॉइंट होना चाहिए,
सेकेंड पैरेलल लाइन होना चाहिए, ये दो गिवन इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. देन वी कैन से, लिखो उसके नीचे टू प्रूफ. टू प्रूफ में क्या आएगा, देन वी कैन से क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. देन यू कैन से क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी. अभी समझ जाओ गिवन टू प्रूफ देख के कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. अभी समझ जाओ सब लोग को. हाँ राइट है, बराबर लिखा तुमने. मिड पॉइंट प्रूफ करना मैं बता दो तो, मैं वो भी बताता हूँ. राइट है मैं बताता हूँ, वो एक बार वापस बताता हूँ. ये समझा तुम लोग को, अभी गिवन टू प्रूफ देख के समझ रहे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. देख एक बार वापस बता देता हूँ, दोनों साथ में देखते हैं. देखो कन्वर्स में ना, कन्वर्स में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए पहले मेरे को वो बताओ. कन्वर्स में गिवन इन्फॉर्म, दो गिवन इन्फॉर्मेशन होता है. पहला एक मिड पॉइंट होना चाहिए एंड एक पैरेलल लाइन होना चाहिए, ठीक है. तो अगर तुमको कन्वर्स यूज करना है तो एक मिड पॉइंट और एक पैरेलल लाइन कंपलसरी होना चाहिए, ठीक है. देन व्हाट यू कैन प्रूव दैट थर्ड पॉइंट, थर्ड साइड पे जो पॉइंट है दैट पॉइंट इज मिड पॉइंट. समझा, हाँ इसका प्रूफ नहीं आता है, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मिड पॉइंट का प्रूफ इंपॉर्टेंट है. मैं सिखाता हूँ, लास्ट में सिखाता हूँ. यहां तक समझा सब लोगों को, देखो एक बार वापस बता देता हूँ. हो गया ना यहाँ तक, यहाँ तक लिख के हो गया. देखो अभी दोनों मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट दोनों साथ में देखते हैं. देखो एक सेकंड है, एक सेकंड में आपके. एक सेकंड है मैं. सी आ रही आवाज सब लोग को. अभी देखो एक काम करो, जैसा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना वैसे ही लिख लो. अभी मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के बीच में पूरा डिफरेंस वगैरह सब बता देता हूँ. देखो सबसे पहले पेज में टाइम है ना, नेक्स्ट लेक्चर को है 10 मिनट है, रुक ना बाद में जाते हैं वो आईडी पे. देखो पेज को दो पार्ट में डिवाइड कर दो. सबसे पहले पेज को दो पार्ट में डिवाइड किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दो. अरे वो मिड पॉइंट में उसमें कंफ्यूजन है ना, मैं बताता हूँ, इजी है कुछ नहीं. देखो ऐसा ऐसा करते जाओ, समझ जाएगा. या पेज को दो पार्ट में डिवाइड. देखो यहां पे लिखो मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है. लिखा मिड पॉइंट थ्योरम एंड यहां पे लिखो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. तो नहीं तुम लोग को अभी वो कंफ्यूजन था ना मिड पॉइंट में कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में, तो ऐसा ऐसा लिख लो समझ जाएगा. एंड दोनों के यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखो गिवन, दोनों के यहाँ पे स्टार्टिंग में गिवन लिखो. तो दोनों का हम पहले गिवन लिखते हैं, गिवन में क्या क्या होता है एंड फिर टू प्रूफ में लिखते हैं क्या क्या होता है. तो कंपेयर करके लिखोगे तुम लोग तो तुमको समझ जाएगा. हो गया, यहाँ पे गिवन लिखो एंड दोनों के इसमें टू प्रूफ लिखो कि टू प्रूफ क्या होता है दोनों का. अभी तो लिखना क्या है वो मैं बताता हूँ, बट ऐसा लिख लो पेज को डिवाइड करके. लिखा दोनों साइड लिख लो वैसा, ठीक है. हाँ हाँ ये लिख लो, कंपलसरी लिख लो, नहीं तो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में. लिख लो ये लिख लो, ये स्किप मत करो. यहाँ पे टू प्रूफ भी लिख लो. लिखा दोनों साइड. अब देखो इसमें लिखना क्या है मेरे को बताओ. मिड पॉइंट थ्योरम में, मिड पॉइंट थ्योरम में गिवन इन्फॉर्मेशन क्या होता है मेरे को बताओ. गिवन इन्फॉर्मेशन क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम में. हाँ थैंक यू, मेरी हैंडराइटिंग के लिए मैं माउस से लिख रहा हूँ, इसके लिए हैंडराइटिंग वैसे आ रही. दो मिड पॉइंट्स दिए होते हैं और एक ट्रायंगल दिया होता है. तो लिख लो एक ट्रायंगल होना चाहिए हमारे पास, एक ट्रायंगल होना चाहिए एंड देयर शुड बी टू मिड पॉइंट्स गिवन. देयर शुड बी टू मिड पॉइंट्स गिवन एंड एक ट्रायंगल होना चाहिए. यहां तक देयर शुड बी टू मिड पॉइंट्स गिवन एंड देयर शुड बी वन ट्रायंगल. लिखा जल्दी थोड़ा. देयर शुड बी वन ट्रायंगल गिवन टू अस एंड सेकंड इज देयर शुड बी
टू मिड पॉइंट्स गिवन, ये गिवन में आएगा, डन। सो ये इसका गिवन पार्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना होता है हमको, प्रूफ क्या करना होता है, देन वी प्रूव दैट साइड्स आर पैरेलल, एंड हाफ, याद है ना, ये बताया था मैंने, हाफ प्रूफ करते हैं, पैरेलल प्रूफ करते हैं, तो ये गिवन पार्ट है, टू प्रूफ पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे गिवन क्या होता है मेरे को बताओ, यहाँ पे ना, यहाँ पे तीन चीज गिवन होती है। फर्स्ट, देयर शुड बी वन ट्रायंगल, देयर शुड बी वन ट्रायंगल दैट शुड बी गिवन टू अस, ठीक है। देन सेकेंड, सेकेंड देयर शुड बी वन मिड पॉइंट, वेरी गुड, मतलब समझा है, देयर शुड बी वन मिड पॉइंट गिवन टू अस, ठीक है, एक ही मिड पॉइंट होना चाहिए। There should be one triangle and there should be one midpoint that is given to us. ठीक है, और थर्ड चीज क्या होना चाहिए, थर्ड चीज याद है, पैरेलल, वेरी गुड, वन साइड शुड बी पैरेलल, वो जो पैरेलल टू प्रूफ में था ना, वो पैरेलल इधर आ जाता है, ठीक है, तो पैरेलल क्वेश्चन में दिया होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज तुमको चेक करना, ठीक है। तो इसमें प्रूफ क्या करते हैं, नहीं, हाफ नहीं प्रूफ करते, क्या प्रूफ करते हैं, सोच के बताओ, हाफ थोड़ी प्रूफ करते हैं, हाफ वाला पार्ट नहीं आता कन्वर्स में, क्या प्रूफ करते हैं अपन इसमें, देन वी प्रूफ दैट इट बाइसेक्ट्स, वेरी गुड, बाइसेक्ट मतलब दैट अदर पॉइंट इट इज मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड, यू नीड टू प्रूव मिड पॉइंट ऑफ थर्ड साइड, लिखा, लिख लो, इतना जल्दी कॉपी कर लो। देखो ये सब देख के अभी तुम लोगों को समझ गया रहेगा ना, जो भी कंफ्यूजन था मिड पॉइंट और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट में, ये लिख लो और याद रखना। तो मिड पॉइंट में, अब देखो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी तुम लोग आंसर बराबर दोगे, देखो क्वेश्चन पूछता हूँ, मिड पॉइंट में मेरे को बताओ, मिड पॉइंट थ्योरम अगर अप्लाई करना है तो कौन से दो चीज चेक करेंगे अपन, एक ट्रायंगल होना चाहिए एंड दो मिड पॉइंट होने चाहिए, वेरी गुड। एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट यूज करना है तो कौन से गिवन इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे, तीन चीज होने चाहिए, एक ट्रायंगल होना चाहिए, एक मिड पॉइंट होना चाहिए और पैरेलल लाइन होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्स के लिए तीन चीज चेक करना है, ठीक है, हो गया सब लोग का, लिख के हो गया, स्टॉप करूं शेयरिंग, डन एवरीवन, यहां तक क्लियर है सब लोग को। अभी देखो एक बेसिक चीज मैं बताता हूँ, वो भी लिख लो तुम लोग, इफ देयर इज वन मिड पॉइंट, कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, एक ही मिड पॉइंट है, लिखो मत, नहीं तो मेरे को सोच के आंसर दो, एक मिड पॉइंट है, कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे, कन्वर्स की मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट की मिड पॉइंट, एक ही मिड पॉइंट दिया है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, वेरी गुड, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट आएगा ना, एक मिड पॉइंट, दो से ज्यादा मिड पॉइंट है तो कौन सा थ्योरम आएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। सबको समझा यहां तक समझा सब लोग को, समझा नहीं समझा, ज्यादा कुछ लिखो मत, सिर्फ वो डिफरेंस बिटवीन लिख लेना तो उससे समझ जाएगा, ठीक है। अभी ये मीटिंग में एंड करता हूँ, मैं दूसरे वाले मीटिंग में आ रहा हूँ, तुम लोग दूसरा वाला आईडी पासवर्ड डाल के वो मीटिंग में आ जाओ, फिर मैं सम चालू करूंगा एंड बीच में ये बंद हो जाएगा, तो दूसरा वाला आईडी पासवर्ड डाल के वो दूसरी मीटिंग में एंटर कर दो, मैं एंड करता हूँ ये मीटिंग, ठीक है, जल्दी आ जाओ फटाफट, वो दूसरा वाला आईडी पासवर्ड ले लो एंड उसमें आ जाओ।